जय हिंद दोस्तों, बीपीएससी करंट अफेयर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज 21 नवंबर 2019 है और आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख करंट अफेयर के साथ मैं आपके साथ हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीपी स्टूडेंट कॉर्नर का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया गया है? अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर, 19 नवंबर, 18 नवंबर, 17 नवंबर। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जितने भी नवंबर के दिवस हैं उन्हें आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं 17 नवंबर से। तो 17 नवंबर को आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सड़क यातायात पीड़ितों के लिए स्मृति के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को। और बात करते हैं अब 19 नवंबर की, तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। क्या दो दिवस हैं 19 नवंबर को, विश्व शौचालय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। दोस्तों, अब बात करते हैं 20 नवंबर की। 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस मनाया जाता है और इस बार की जो थीम है अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस की वह है पोजिशनिंग अफ्रीकन इंडस्ट्री टू सप्लाई द एफकेट मार्केट। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए 20 नवंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना की पहली जज किसे नियुक्त किया गया है? ज्योति शर्मा, आर भानुमति, सरिता देवी या फिर हिना जायसवाल। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ज्योति शर्मा। हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति शर्मा को भारतीय सेना की पहली महिला जज नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति शर्मा को भारतीय सेना की पहली महिला जज एडवोकेट जनरल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एक विदेशी मिशन पर तैनात होंगी। वे कानूनी विशेषज्ञ के रूप में पूर्वी अफ्रीकी देश सेशेल्स की सरकार में अपनी सेना सेवाएं देंगी। दोस्तों, बात करते हैं जो अन्य तीन विकल्प हैं, आर भानुमति, सरिता देवी, हिना जायसवाल। तो आर भानुमति की बात करें तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में इन्हें शामिल किया गया है। और सरिता देवी की बात करें तो सरिता देवी AIBA एथलीट कमीशन के रूप में नामित किया गया था। और हिना जायसवाल की बात करें तो हिना जायसवाल हमारी भारतीय वायुसेना में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सुधीर मित्तल, सुधीर भार्गव, शांति कुमार सिंह या फिर नीलम साहनी। दोस्तों, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष सुधीर मित्तल को चुना गया है। किसे? सुधीर मित्तल। अगर हम शांति कुमार, वहीं पे अगर हम अन्य विकल्पों की बात करें तो सुधीर भार्गव वर्तमान में CIC के अध्यक्ष हैं और ये पूछा गया क्वेश्चन है। और शांति कुमार सिंह की बात करें तो उन्हें जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का महासचिव चुना गया है। तो हो सकता है आपसे लेटेस्ट है दो में से किसी एक की पूछ ले कि या तो अध्यक्ष के बारे में या तो महासचिव के बारे में। और नीलम साहनी की बात करें तो दोस्तों इन्हें अभी आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव बनाया गया था। अगला प्रश्न है, गोवा में आयोजित 50वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI में स्पेशल आइकन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है 50वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ आयोजित किया गया है? गोवा में। और यह कौन सा है? 50वां। तो इसमें स्पेशल आइकन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, साउथ स्टार रजनीकांत। स्पेशल आइकन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड से रजनीकांत जी को सम्मानित किया गया है। अगर वहीं पे हम इसाबेल हुपर्ट की बात करें तो इसाबेल हुपर्ट को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। किसे? लाइफ टाइम अचीवमेंट से। और अगर अमिताभ बच्चन की बात करें तो इन्हें हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करें तो इन्हें गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2018 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा दुर्घटना दर्ज की गई है? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। हाल ही में भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2018 की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा दुर्घटना दर्ज की गई है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो 0.46% सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि की गई है। बात करते हैं तमिलनाडु की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अरुंधति स्कीम के तहत दुल्हनों को 1 तोला सोना मुफ्त देने की घोषणा की है? असम सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने या फिर गुजरात सरकार ने। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए असम सरकार ने। हाल ही में असम सरकार ने अरुंधति स्कीम के तहत दुल्हनों को 1 तोला सोना मुफ्त देने की घोषणा की है। दोस्तों, किस स्कीम के तहत? आप लोग स्कीम का नाम रखिएगा, अरुंधति स्कीम के तहत। कौन सा राज्य ने? असम राज्य ने।
यह योजना असम के केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी वार्षिक आय कुल मिलाकर 5 लाख रुपए से कम है। वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है और इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के समय विशेष विवाह असम अधिनियम 1954 के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अब बात करते हैं असम की। असम की राजधानी दिसपुर है। वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और वहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुबई में आयोजित इंडो अरब लीडर्स समिट एंड अवार्ड 2019 में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? बजरंग पुनिया, गौरव शर्मा, आदर्श कुमार गोयल या फिर रवि प्रकाश? दोस्तों बता दें आपको कि ये जो इंडो अरब लीडर्स समिट एंड अवार्ड 2019 था, ये दुबई में आयोजित किया गया था और इसमें इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से बजरंग पुनिया को सम्मानित किया गया था। बजरंग पुनिया भारतीय पहलवान हैं। और अगर हम वहीं दूसरे व्यक्ति की बात करें तो इसी समिट में, अरब लीडर समिट में, गौरव शर्मा जी को विजनरी लीडर्स ऑफ द ईयर चुना गया था। कौन? विजनरी लीडर्स ऑफ द ईयर। दोस्तों अगर हम आदर्श गोयल की बात करें तो आदर्श कुमार गोयल एनजीटी के अध्यक्ष हैं और रवि प्रकाश की बात करें तो इन्हें हाल ही में ब्रिक्स यंग इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया था जो कि ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। बात करते हैं दुबई। दोस्तों यूएई की राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान है और वहाँ की राजधानी अबू धाबी है और वहाँ की करेंसी दिरहम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के HNLC संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या फिर झारखंड? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेघालय। गृह मंत्रालय ने हिंसा व अन्य तोड़फोड़ की गतिविधियों को देखते हुए मेघालय के विद्रोही संगठन हाइने विट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल HNLC का नाम है हाइने विट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर बैन लगा दिया गया है। अब बात करते हैं मेघालय की। दोस्तों मेघालय के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वह कॉनराड संगमा है, वहाँ के राज्यपाल तथागत राय हैं और वहाँ की राजधानी शिलोंग है। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो SSC में पूछा गया था कि लोकसभा मेघालय में कितनी लोकसभा सीट है, तो इसका सही जवाब होगा 2 और लोकसभा मेघालय में कितनी राज्यसभा सीट है 1। अगला प्रश्न है, हाल में किस सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए किस राज्य के शिक्षा निदेशालय ने आओ स्कूल चले नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है? जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, झारखंड में या फिर उत्तर प्रदेश में? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य ने बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए वहाँ के शिक्षा निदेशालय ने आओ स्कूल चले नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है। दोस्तों बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य सरकार ने वर्चुअल क्लास परियोजना का शुभारंभ किया है? कर्नाटक, उत्तराखंड, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने वर्चुअल क्लास परियोजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों उत्तराखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में शिक्षकों की कमी का सामना कर रहे माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों को वर्चुअल कक्षाओं व स्कूलों से जोड़ने की परियोजना का शुभारंभ किया है। इस परियोजना के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कक्षाएं चलेंगी और छात्र वास्तविक समय के आधार पर शिक्षक से मिल सकते हैं व अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। बात करते हैं उत्तराखंड की। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उन्होंने इस योजना का उद्घाटन किया है। वहाँ की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड की राज्यपाल वर्तमान में बेबी रानी मौर्य जी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मेट्रो ने लखनऊ में आयोजित 12वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में 2 अवार्ड जीता है? लखनऊ मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो या फिर बेंगलुरु मेट्रो? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिल्ली मेट्रो। हाल ही में लखनऊ में आयोजित 12वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में दिल्ली मेट्रो ने 2 अवार्ड जीता है। अब ये हैं सर्वश्रेष्ठ ग्रीन पहलों की श्रेणी में लास्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना के लिए और सर्वश्रेष्ठ मोटर चालित परिवहन ग्रीन मेट्रो परियोजना सतत और व्यवहार शहरी परिवहन की पहल के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। दोस्तों बात करते हैं DMRC की। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना 3 मई 1995 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नेटवर्क 250 से अधिक मेट्रो स्टेशनों के साथ 350 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एक चीज़ें ध्यान देना है आपको, स्थापना 1995 में, हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में, सभी जानते हैं। कुल मिलाकर कितने स्टेशन हैं? 250 और कितने किलोमीटर में फैला हुआ है DMRC? 350 किलोमीटर। ये आप लोग क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? सबसे पहले आपको बता दूं कि आईएमडी है क्या। आईएमडी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 59। दोस्तों पहले भारत का 2018 में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का जो रैंक है वह 53 थी, लेकिन इस बार 6 पायदान लुढ़ककर इनका स्थान 59 हो गया है। वहीं अगर हम जो अन्य विकल्प हैं 42 और 47, तो 42वें स्थान पर चीन है और 47वें स्थान पर रूस है। अब बात करते हैं पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है। दोस्तों वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर स्वीडन है और भारत कौन सा स्थान है 59 और 2018 में कौन सा था 53। ये नहीं पूछेगा, हो सकता है ऐसे इन तीनों में से कोई भी एक चीज पूछ ले। अगला प्रश्न है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप किसने जीता है? हाल ही में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप किसने जीता है? ब्राजील, मेक्सिको, रूस, फ्रांस। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ब्राजील। हाल ही में ब्राजील ने मेक्सिको को हरा कर किसे ब्राजील ने मेक्सिको को हरा कर फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जीता है। दोस्तों हम अन्य जो विकल्पें हैं इसमें रूस, फ्रांस, तो आपकी जानकारी बता दें तो फुटबॉल जो है इन सभी देशों की राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल के बारे में बता दें कि फुटबॉल की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और यह 90 मिनट का खेल होता है। एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं 11 और यह 90 मिनट का खेल होता है। अगला प्रश्न है उत्तम से अंकुरित दाल पराठा तक नाम की 28 पेज की पुस्तक का अनावरण किसने किया है? यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO या फिर संयुक्त राष्ट्र ने। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यूनिसेफ ने। उत्तम से अंकुरित दाल पराठा नाम तक की 28 पेज की पुस्तक, ये पुस्तक कितने पेज की है 28 पेज की पुस्तक का अनावरण यूनिसेफ ने किया है। इस पुस्तक में बताया गया है कि 20 रुपए से कम में तैयार पौष्टिक भोजन बच्चों में कम वजन, मोटापा और एनीमिया जैसी समस्याओं से निपटने में मदद करेगा। यूनिसेफ के बारे में आपको बता दें तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है हाल ही में NCAER ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 4.9, 6.8, 5.8 या फिर 4.5। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 4.9। हाल ही में NCAER ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि 4.9 रहने का अनुमान लगाया है। पिछले वर्ष यह 6.8% थी। दोस्तों अब बात करते हैं NCAER की। NCAER का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। इसके अध्यक्ष नंदन नीलकेड़ी जी हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। दोस्तों यह आपका आज का प्रमुख करंट अफेयर थे। दोस्तों अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ।